Hello, good morning, FIBCOM students. Today I am going to discuss that new point of EVS, that ecotourism, history of ecotourism in India. Introduction. Ecotourism is entirely new approach in the tourism. It involves the travel to natural areas to appreciate the cultural and natural history of the environment in such a way that care is taken not to disturb the integrity of the ecosystem while creating the economic opportunities that make conservation and protection of the natural resources advantageous to the local people. In the other words, ecotourism is an integrated program that is nature-based and ecological sustainable, where education and interpretation is a major constituent and where local people are benefited. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि नेचुरल, जब इको टूरिज्म की हम बात करते हैं तो वो एक न्यू अप्रोच है टूरिज्म के लिए, कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि नेचर के साथ, कल्चर के साथ साथ नेचर को भी प्रिजर्वेशन करना चाहिए, नेचर रिसोर्सेज को भी उतना ही, नेचर रिसोर्स का एडवांटेज उतना ही लोकल पीपल को भी होना चाहिए. हिस्ट्री ऑफ इको टूरिज्म इन इंडिया, यहाँ पे अभी क्या बताया है, देखिए. सिंस द एजेस, nature worship and conservation ethics have been inseparable part of Indian thought and tradition. The Indian tradition has always thought that the humankind is the part of nature and one should look upon all the creation with love and respect. India, the land of varied geographical features, offers several tourist destinations that not just distress but also rejuvenates the tourist. India offers the several ways to enjoy the mother nature in the most pristine way. The few places like Himalaya region, Kerala, northeast India, Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep Island are some of the places where one can enjoy the treasure, the wealth of mother nature. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि वर्षों से हमारे इंडिया में हम बोलते हैं कि जैसे हमारा ट्रेडिशन है कि नेचर को हम वर्शिप करते हैं और उसको कंजर्वेशन करना हमारी इस जिम्मेदारी है, उसी तरह से हम कहीं ना कहीं उस कल्चर को हम रिस्पेक्ट करते हैं, विथ हम बोलते हैं उस नेचर को हम रिस्पेक्ट करते हैं. पर हम जब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब लैंड की बात करें तो वैरायटी ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स हमें दिखाई देते हैं. जैसे कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ बोलते हैं कि जो टूरिस्ट प्लेसेस की तरह उसको एंजॉय किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हिमालय रीजन है, कि फिर केरला है, फिर अंडमान और निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है. तो ये सब प्लेसेस ऐसे हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे नेचर दिखाई देता है, लेकिन वी कैन ऑल्सो द एंजॉय द ट्रेजर वेल्थ ऑफ मदर नेचर. फिर उसके बाद है थेनमला इन केरला इज़ द फर्स्ट प्लान इको टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया क्रिएटेड टू कैटर टू इको टूरिज्म एंड नेचर लवर्स. तो थेनमला ये जो इको टूरिज्म का फर्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस रह चुका है, जो हम बोलते हैं कि केरला में आया है, इंडिया का सबसे पहला इको टूरिज्म प्लेस रह चुका है. द इंडियन टोपोग्राफी ऑफर्स एन एब्डोनेंट सोर्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना. इंडिया हैज़ न्यूमरस रेयर एंड एंडेंजर स्पेसिस इन द सराउंडिंग. The declaration of several wildlife areas and wildlife fund by several kings in the past. Today, India has many wildlife sanctuaries and protection laws. Currently, there are about 80 national parks and 441 sanctuaries in India which work for the protection and the conservation of the wildlife resources in the India. तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि इंडिया की जब हम टोपोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें फ्लोरा और फौना उसका नाम लिया जाता है. तो फ्लोरा और फौना मतलब क्या, कि जैसे हम बोलते हैं कि नेचर से जुड़ा हुआ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा है मतलब, जस्ट अ मिनट,
means flora and fauna means representative of the species. के हर flora means वनस्पति से जुड़ा हुआ and fauna means animal से जुड़ा हुआ. तो आपको वहाँ पे वो दिखाई देता है कि जैसे हमारे यहाँ पे इतने सारे स्पेसिस या हम बोलते हैं कि एनिमल स्पेसिस हमको दिखाई देते हैं सराउंडिंग्स में. जैसे वाइल्ड लाइफ एरियाज में सेवरल काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पेसिस आर सीन. कि जैसे पास में थे उससे अभी कम 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 होते जाते हैं. जैसे हमारे इंडिया में 80 नेशनल पार्क हैं और 441 सेंचुरीज हैं. तो मेजर नेशनल पार्क इन इंडिया फॉर इको टूरिज्म आर कि कौन से हैं. तो सबसे पहले है कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश, दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, तीसरा है कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, चौथा है गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इन गुजरात, पांचवा है रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान. तो ये सब नेशनल पार्क हमारे इंडिया में आए हुए सबसे पाँच मेन नेशनल पार्क हैं. अभी आगे हम देखते हैं. देर आर न्यूमरस बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन्स इन इंडिया विच आर वर्किंग टूवर्ड्स द एनहांसमेंट ऑफ द इकोसिस्टम. ये इकोसिस्टम को एनहांस करने के लिए जूलॉजिकल और बॉटनिकल गार्डन भी हैं. पोचिंग हैज स्टॉप टू लार्ज एक्सटेंट एंड देर आर सीवियर पनिशमेंट फॉर पोचर्स हंटर्स एंड इलीगल ट्रेडर्स ऑफ एनिमल्स एंड ट्रीज. कि जो पोचर्स है या जो शिकार करते हैं हंटर्स है या इलीगल ट्रेडर्स ऑफ एनिमल्स और ट्रीज है उस पर बैन लगाए जाते हैं. दे हैव टू बी गिवन दैट पनिशमेंट. ट्रीज प्लांटेशन ड्राइवर्स आर टेकिंग प्लेसेस इन सेवरल प्लेसेस. देर आर सेवरल एनिमल्स एंड प्लांट्स राइट ऑर्गेनाइजेशन हु फाइट फॉर द राइट्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO आर कमिंग फॉरवर्ड टू प्रोवाइड द एनवायरमेंटल एजुकेशन टू द कॉमन पीपल एट द ग्रास रूट लेवल. So to protect the animals and trees that the some organization and NGO also they are taking effort to provide the environmental education to the local people at the grassroots level. यहाँ पे ये बताए गए हैं. आगे बात करते हैं the importance of ecotourism in India. In India the emergence of alternative tourism promotes the natural and cultural events and others. Few promising alternative tourism paths include green tourism, ecotourism, eco-cultural tourism and heritage tourism etc. तो इंडिया में जब हम इंडिया की बात करते हैं और टूरिज्म की बात करते हैं तो नेचर और कल्चर से जुड़ा हुआ रहता है. लेकिन उसके साथ साथ ग्रीन टूरिज्म भी है, इको टूरिज्म भी है, इको कल्चर टूरिज्म भी है और हेरिटेज टूरिज्म भी उसके साथ जुड़ा हुआ है. इको टूरिज्म डेवलप इन इंडिया 1970s और 1980s में इको टूरिज्म डेवलप हुआ था. इको टूरिज्म वॉज ग्लोबली आइडेंटिफाइड एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग ट्विन गोल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जब भी इको टूरिज्म को लॉन्च किया गया या डेवलप किया गया तो उसको उसका जो मेन एम था वो था कि बायोडाइवर्सिटी को अचीव करना और कंजर्वेशन करना और उसको सस्टेन करना. दैट बोथ शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स कैन बी अचीव विदाउट सेक्रीफाइसिंग वंस ओन इंटरेस्ट. अभी ये दोनों ही टर्म को या हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो उसको दोनों को अचीव किया जा सकता है. ना कि किसी का हम बोलते कि किसी का मन मर के उसको अचीव नहीं किया जा सकता लेकिन दोनों को ही अचीव किया जाता है. सस्टेनेबल टूरिज्म एंड नेचर टूरिज्म आर अम्ब्रेला कंसेप्ट दैट इंक्लूड इको टूरिज्म. तो सस्टेनेबल टूरिज्म है और जो इको नेचर टूरिज्म है दे आर द मेन कंसेप्ट of ecotourism. The return to the investment in the tourism from point of view of employment generation is much higher compared to the agriculture and manufacturing sector. कि जब हम ecotourism sector की बात करते हैं तो agriculture sector और manufacture sector से ज़्यादा हमें यहाँ पे employment दिखाई देता है. यहाँ पे देखिए आपको table दिया गया है. टेबल दिया गया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कितना परसेंट जॉब अवेलेबल 44.7%, मैन्युफैक्चरिंग है 12.6%, माइनिंग और क्वारिंग में है 2.6%, रेलवेज में 0.9% और अदर ट्रांसपोर्ट में है
13.85, but it is only 47.5%. The most significant feature of ecotourism in industry in India is the capacity to generate the large-scale employment opportunities, particularly in remote and undeveloped area. तो ecotourism का सबसे पहला features है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा employment opportunities provide किया जाए, कहाँ पे, कि जहाँ पे underdeveloped area है और remote area है वहाँ पे. It offers enormous potential for utilizing the natural resources like landscape, mountains, biodiversity area and rivers for the benefit of the people. तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया कि जब इको टूरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है या नेचर इको टूरिज्म के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे ज़्यादा उसमें नेचर रिसोर्सेज जैसे कि लैंडस्केप है, माउंटेन्स है, बायोडाइवर्सिटी एरिया और रिवर्स, तो वो इको टूरिज्म वो कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट देता है. That ecotourism is not only travel statement, but it gives the message of relationship with the nature and its own inhabitants. तो ecotourism सिर्फ आपको traveling का traveling आपको नहीं दिखाता है, लेकिन उसको वो ही दिखाता है कि nature और हम बोलते हैं कि nature के साथ जुड़े रहने वाले लोग means उस area में रहने वाले लोगों का संबंध कैसा है, कैसे जीते हैं, किस तरह से रहते हैं, वो आपको दिखाता है. इंडिया बिकेम वेरी कॉमन नेम फॉर इकोटूरिज्म बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड ब्यूटी. तो इकोटूरिज्म के लिए इंडिया फेमस है बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज और ब्यूटी, उसकी ब्यूटी के लिए. इकोटूरिज्म फोकसेस ऑन द इंडियन लोकल कल्चर्स, वाइल्डनेस, एडवेंचर्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. इन इंडिया द मूवमेंट इज गैदरिंग momentum with more travel and travel related the organization for addressing the needs of ecotourism and promoting ecotourism in the country. So आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, ecotourism किस पे ज़्यादा focus करता है कि local Indian local culture पे, फिर उसके होते कि उसके adventures पे या environmental protection पे या wilderness पे ecotourism focus करता है. लेकिन हम बोलते कि मोमेंट इज गैदरिंग मोमेंटम मोर ट्रैवल विथ मोर ट्रैवल एंड ट्रैवल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ इको टूरिस्ट एंड प्रमोटिंग द इको टूरिज्म इन द कंट्री. तो यहाँ पे इको टूरिज्म किससे किससे जुड़ा होता है, जैसे देखिए कि हमारी इंडिया में ट्रैवल करना या किसी के साथ इकट्ठा होकर ट्रैवल करना और जो ट्रैवल को लेकर जो एजेंसीज काम करती हैं, तो वो इको टूरिस्ट के जितने भी टूरिस्ट लोग होते हैं उनकी नीड्स को प्रोवाइड करने का काम करती है. तो इससे हम क्या बोलते हैं कि इको टूरिज्म का क्या होता है, एक बढ़ावा मिलता है. अगर हम बात करते हैं द इफेक्ट ऑफ इको टूरिज्म इन इंडिया, दैट फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज. इको टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज दैट अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ कंट्री विदाउट एक्चुअली एक्सपोर्टिंग एनी मटीरियल गुड्स. इको टूरिज्म कोई भी मटीरियल, हम बोलते हैं कि इको टूरिज्म एक ऐसा टूल है या एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आता है, कि ना ही हम किसी भी कोई भी टाइप का मटेरियल हम बेचते नहीं है, फिर भी हमें हमारे यहाँ पे एक इनकम खड़ा होता है. द इनकम फ्रॉम इको टूरिज्म हैज टेंडेड टू इंक्रीज एट द हायर रेट देन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन द नंबर ऑफ कंट्रीज. तो इको टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा अभी उसका रेट बढ़ रहे हैं, उसकी इनकम बढ़ रही है, कि हम कुछ भी एक्सपोर्ट ना करते हुए दूसरे देशों में उसका भी रेट बढ़ रहा है. देन सेकेंड पॉइंट इज टू हेल्प इन द डेवलप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर अनदर इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय इको टूरिज्म इंडस्ट्रीज. तो इको टूरिज्म इंडस्ट्रीज के डेवलप इको टूरिज्म इंडस्ट्रीज आपको वहाँ पे एक तो जगह पे ये प्लेसेस होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है, या हम बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वहाँ पे होना चाहिए इको टूरिज्म इंडस्ट्रीज थ्रू वो प्रोवाइड किया जाता है. दूसरा है द वराइटी ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मे बी प्रमोटेड विच मे नॉट सर्व द नीड ऑफ इको टूरिज्म. Thus indirectly the tourist expenditure may be responsible for stimulating other economic activities of the country. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है,
कि जैसे वैरायटी ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कि जितना हम बोलते कि जितना भी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं इको टूरिज्म को सर्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इनडिरेक्टली जो टूरिस्ट का एक्सपेंडिचर हुए वो हम बोलते कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंडिचर है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम बोलते हैं कि बढ़ावा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग, या हम बोलते हैं कि ट्रैवलिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुँचे थे लेकिन उसका लोकलाइज पीपल को उसका क्या फ़ायदा हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ से कहीं और उनको बाकी के जो प्लेसेस हैं वो दिखाना, तो ये जब उनका खर्चा बढ़ता है या हम बोलते हैं कि रिसोर्ट वगैरह रहने खाने पीने की व्यवस्था, तो उसके एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है। टू हेल्प इन द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट टूरिज्म डेवलपमेंट ग्रेटली बेनिफिट अंडर डेवलप रीजन्स ऑफ द कंट्रीज दिस इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स मोस्टली हैव द प्लेसेस ऑफ हाई स्कैनिक ब्यूटी विच इज डेवलप फॉर द इको टूरिज्म इंडस्ट्री विच हेल्प टू ब्रिंग द लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू लोकल पीपल। कि टूरिज्म की वजह से जैसे हम बोलते कि एक अंडर डेवलप्ड रीजन को भी एक बेनिफिट होता है कि जैसे हम बोलते कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स होते हैं तो वहाँ पे उनके पास उनके पास हाई सैनिक ब्यूटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचर है, तो उसको डेवलप करने के लिए इको टूरिज्म इंडस्ट्री उनको बढ़ावा देती है जिसकी वजह से उनकी भी प्रॉस्पेरिटी में बढ़ावा हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट कि टूरिज्म इंडस्ट्री इज हाईली लेबर इंटेंसिव सर्विस इंडस्ट्री दैट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर हाईली स्किल सेमी स्किल एंड अनस्किल लेबर इन द सेक्टर लाइक होटल रेस्टोरेंट ट्रैवल एजेंसीज टूरिज्म ऑफिस शॉप्स एक्सेट्रा। तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज हर एम्प्लॉयमेंट के बारे में या उसका जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट 47.5% है, मीन्स वहाँ पे उसका रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे हाईली स्किल है या सेमी स्किल है, अंडर स्किल लेबर सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम बोलते हैं कि रेस्टोरेंट है, होटल्स है, ट्रैवल एजेंसीज है, टूरिज्म ऑफिसेस है, शॉप्स है, कहीं ना कहीं उनको काम मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। अभी हम आगे बात करते हैं। देन टू हेल्प इन मेंटेनिंग पीस एंड अंडरस्टैंडिंग टूरिज्म प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग international goodwill. It creates the awareness and appreciation of the other country's culture and nature. Then a fundamental requirement for ecotourism to be practiced is control on access to the an area. Various hill stations or beaches therefore do not get categorized as ecotourism destination because it is impossible to control access to them. National park and wildlife sanctuaries are not, on the other hand, most amenable to regulate the access and thus most sustainable as ecotourist destination. The protected area network in the country therefore become the most logical starting point for development of ecotourism. Most ecotourism are from the Europe, North America and Japan. यहाँ पे आपको क्या बताया कि टू हेल्प इन मेंटेनिंग पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया कि फंडामेंटल रिक्वायर ऑफ इको टूरिज्म टू बी प्रैक्टिस इज कंट्रोल एंड एसेस ऑफ ए एरिया। तो इको टूरिज्म का जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है मीन्स उसका नेचर का आप चाहिए जितना इस्तेमाल करो लेकिन उसका कंट्रोल भी होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि वेरियस हिल स्टेशन है, बीचिस है, जो हम बोलते हैं कि इको टूरिज्म डेस्टिनेशन की डो नॉट कैटेगराइज एज ए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन कि उसको इको टूरिज्म डेस्टिनेशन को हम कैटेगराइज नहीं कर सके बिकॉज उसको कंट्रोल करना ये हमारे बस की बात नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, आर ऑन द अदर हैंड आर मोस्ट एमिनेबल मीन्स उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह उसको कंट्रोल किया जा सकता है। या हम बोलते हैं कि कुछ एरिया हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि जब हम बोलते हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द कंट्री दैट देयरफॉर बिकम्स मोस्ट लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म। जिस एरिया को नेटवर्क या हम बोलते हैं कि जिस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है या एरिया नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है
तो वो इको टूरिज्म के लिए कहीं ना कहीं हम बोलते कि डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो जिस एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, या हम बोलते कि कुछ हिल स्टेशन है या बीचेस हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको इको टूरिज्म के लिए डेवलप नहीं किया जा सकता। दूसरा है मेजर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया। इको टूरिज्म इन केरला पैराडाइज ऑफ पैराडाइज फॉर टूरिस्ट। केरला विच इज नोन एज गॉड्स होम कंट्री। ये केरला को गॉड्स भगवान की दुनिया की तरह, भगवान की दुनिया इसी तरह इस नाम से जाना जाता है। इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इको विजिटर्स फाउंड केरला एज अ ग्रीन हेवन, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, सैंडी बीचेस, ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट दैट एनहांस द नेचुरल अट्रैक्शन टू द नेचुरल लवर्स। हियर वी कैन विटनेस सेवरल एनिमल स्पेसिस एंड थाउजेंड ऑफ प्लांट स्पेसिस दैट नीलगिरी माउंटेन रेंज विल डेफिनेटली ड्रॉ द टूरिस्ट अटेंशन। तो केरला में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से टूरिस्ट वहाँ पर जाना जल्दी पसंद करते हैं? तो सबसे पहले आता है, एक तो केरला इज नोन एज वर्ल्ड्स ओन कंट्री। दूसरा है, इट हैज़ दैट ग्रीन हाई ग्रीन ब्यूटी। और दूसरा है, उसमें सैंडी बीचेस है, ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से टूरिस्ट को जाना वहाँ पे पसंद होता है। और तीसरा है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, मीन जिसको हम फ्लोरा और फौना बोलते हैं, वो हमको दिखाई देता है। तो नीलगिरी, जैसे हम उसको नीलगिरी की जो पेड़ है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें केरला में दिखाई देता है। देर आर मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरला। केरला में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। इन केरला द टूरिज्म एक्टिविटीज आर मेनली बेस्ड ऑन द नेचर एंड इट्स फैसिलिटीज। तो केरला में जितना भी इंडस्ट्रीज है वो तो एक पर्टिकुलर नेचर बेस्ड है, और उसकी फैसिलिटीज पे है। Then the first planned ecotourism destination in Asia was Thenmala ecotourism project in Kerala. तो हम पहले ही पढ़ चुके कि Thenmala ये इको टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, प्रोजेक्ट है केरला का, इंडिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट है। इंदोकी इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन केरला विच हैज अबंडेंस ऑफ वाइल्ड स्केल्ड टूरिज्म टूरिस्ट अट्रैक्शन। इंदू के नाम का भी एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, जहाँ पे वाइल्ड स्केल मीन्स हम बोलते हैं कि वाइल्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ स्पेसिस हो, या वाइल्ड हम बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, तो वहाँ पे एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक वो साधन है। देर इज अ वाइल्ड स्कोप फॉर इको टूरिज्म इन इंदू के। इंदू के में वाइल्ड सेंचुरी होने की वजह से इको टूरिज्म डेवलप अच्छे से किया जा सकता है। देन आगे बात करते हैं कि सुंदरबान इको टूर वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल। सुंदरबान इज द प्लेस दैट इंट्रोड्यूसेस अस द रियल मीनिंग ऑफ इको टूरिज्म। कि बंगाल में सुंदरबान एक सबसे अच्छा इको टूरिज्म प्लेस है। The world's largest natural delta is the name of Royal Bengal Tigers. Then wildlife sanctuaries, bird sanctuaries, crocodile projects are the main attraction of the eco visitors. तो वहाँ पे लोग जाना क्यों पसंद करते हैं? इसको वहाँ पे wildlife sanctuary है, bird sanctuary है, फिर crocodile project है, जो eco visitors का main attraction है. The tidal rivers, water channels, then large mangroves trees will give us the feeling of adventure with the essence of freshness. तो दूसरा उसका जो अट्रैक्शन का उसका रीज़न है, एक तो है टाइडल रिवर्स है, दूसरा है वाटर चैनल्स है, लार्ज मैंगो ट्रीज हैं जो हम बोलते हैं कि एडवेंचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दैट मैंग्रो स्वैम्स इन द साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल इज द प्लेस वेयर रॉयल बंगाल टाइगर्स रूल। कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि मैंग्रोव स्वैम्प है साउथ का, वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेस्ट बंगाल टाइगर दिखाई देते हैं। दिस मैजेस्टिक बिग कैट्स आर फैसिनेटिंग, ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली डेंजरस। कि जो बाघ वहाँ पे होते हैं
एक्चुअली वो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन डेंजरस भी उतने ही होते हैं. अनफॉर्चुनेटली दिस एनिमल्स आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि अभी उनकी हम बोलते कि मात्रा है वो कम दिखाई देती है. नाउ अनफॉर्चुनेटली दिस एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन. वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन मीन्स उनकी मात्रा अभी तरह से कम दिखाई देती है. क्यों कम दिखाई देती है? क्योंकि लोग ज़्यादातर अभी उनका शिकार करने लगते हैं. या हम बोलते कि वर्ज एक्सटिंक्शन मतलब इस कंसर्न टू द एंड ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट एंडेंजर वाइल्ड लाइफ इन पर्टिकुलर अफ्रीकन एलिफेंट्स एंड राइनोसॉरस. तो उसको हम बोलते कि कहीं ना कहीं उनका शिकार किया जाता है, वही बात हो गई. सो दिस मार्श लैंड हैज बिकम द सेंचुरी फॉर द मैग्निफिशेंट फिश क्रीचर्स इन येल्लो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स. तो ये जो लैंड है हम बोलते कि मैंग्रोव स्वैम्प, या हम बोलते कि वेस्ट बंगाल, ये जो बंगाल टाइगर्स के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है. तो कहीं ना कहीं हम बोलते कि एक हम बोलते कि उसके जो ये टाइगर्स दिखाई देते हैं, तो वो क्रीचर्स में ज़्यादातर आपको येल्लो और ब्लैक स्ट्रिप्स वाले टाइगर्स दिखाई देंगे. डियर, एंटीलॉप्स, गोर एंड वाइल्ड पिग्स ऑल ऑल्सो हैव दिस मार्श लैंड ऑन देयर होम. तो इस मार्श लैंड पे ज़्यादातर आपको बाघ के साथ साथ डियर एंटीलॉप्स और हम क्या बोलते हैं कि वाइल्ड पिग्स, वो भी आपको गौर ये एनिमल्स आपको दिखाई देंगे. देन गोवा इको टूर, दैट गोवा इज़ द प्लेस वेयर द विजिटर्स कैन हैव द रियल फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट एंड फन विद द पैकेज ऑफ इको टूरिज्म. तो गोवा फेमस है, क्योंकि हम सभी ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली गोवा ये गए नहीं है, लेकिन ये प्लेस हम शायद कोई गया ना हो, लेकिन उसके प्लेसेस के बारे में हमको पता रहता है. ये क्यों फेमस है उसके बारे में पता रहता है. गोवा इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड आवर रिच हेरिटेज. तो एक तो हमारे रिच हेरिटेज के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे ज़्यादा है, उसके लिए वो फेमस है. चर्चिज, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट, फोर्ट्स विल टेल अस द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री. द बीचेस, वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क विल इंट्रोड्यूस अस टू द नेचुरल मैजिक ऑफ गोवा. That carnival and shoeshine of Goa adds the extra flavor of eco visitors. तो गोवा क्यों फेमस है? एक तो चर्चेस के लिए, टेम्पल्स के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए, और दूसरा है वहाँ के बीचेस, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इको मीन्स टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. दूसरा है उसके कार्निवल्स, और हम बोलते हैं shoeshine of Goa. shoeshine of Goa जो उसके विजिटर्स को ले एक एक्स्ट्रा फ्लेवर देता है. दैट गोवा इज मेकिंग कीन एफर्ट्स टू डेवलप इको टूरिज्म बाई डेवलपिंग इंटीरियर ग्रीन स्पॉट लाइक वाटरफॉल्स, सेंचुरीज एंड लेक्स. तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको गोवा में ये आपको जरूर दिखाई देगा कि जैसे हम बोलते कि वाटरफॉल्स हैं, सेंचुरीज हैं और लेक्स, ये आपको ज़्यादा दिखाई देंगे. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि आपको ये बताएंगे कि अब shoeshine मतलब क्या है, shoeshine मतलब क्या है. shoeshine मीन्स हम बोलते कि उसकी पाक कला, या उसका हम बोलते कि कुकिंग मेथड. तो ये इसके लिए फेमस है, तो जहाँ पे टूरिस्ट के लिए एक एक्स्ट्रा फ्लेवर देती है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज हिमालय. द होल माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ इंडिया विल गिव द टूरिस्ट द परफेक्ट पिक्चर ऑफ एन इको टूर. दैट सेवरल प्लेसेस लाइक कुल्लू, मनाली, लद्दाख, धर्मशाला, डायलो स्टेट आर स्पेशली नोन फॉर इट्स नेचर ब्यूटी टू द नेचर लवर्स. नेचर तो हिमालय के हम बोलते कि कुछ ऐसे हम बोलते कि परफेक्ट प्लेसेस, जैसे हम बोलते कि नॉर्थ इंडिया के माउंटेन रेंज में हिमालय का इंक्लूड किया गया है, जैसे कुल्लू मनाली है,
लद्दाख है, धर्मशाला है, देन डायलोस्टिक है, और नेचर लवर्स के लिए, उसके लिए नेचर लवर्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही फेमस है। द इको विजिटर्स कैन विटनेस द मैजिकल ग्लो ऑफ सनराइज एंड सनसेट फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द माउंटेन रेंज के टूरिज्म टूरिस्ट लोग के लिए सनसेट और सनराइज एक बहुत ही महत्वाकांक्षा हम बोलते कि जब ये प्लेसेस वो विजिट करते हैं तो वो उसके हम बोलते कि सनराइज को देखने के लिए और सनसेट को देखने के लिए उनकी आंखें तरस जाती है। फिर हिमालय रेंजेस फ्रॉम रेंजेस आर फेमस फॉर ट्रैकिंग एंड कैंपिंग। तो हिमालय रीजन और हिमालय जो रेंजेस हैं वो ट्रैकिंग के लिए और कैंपिंग के लिए वहाँ के फेमस है। इन डिफरेंट कलर शेप्स हाइट्स एंड वैलीज ऑफ माउंटेन इम्प्रेस द इको विजिटर्स बाई इनहेरेंट क्वालिटीज। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि हाँ आपको ये बताया गया है कि हिमालय रीजन में डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट हाइट के या वैलीज भी हैं, डिफरेंट कलर के वैलीज की हैं, वैलीज भी हैं जिसे हम बोलते कि वो उसकी हम बोलते कि पहचान है कि जहाँ पे रेंजेस होंगे माउंटेन रेंजेस होंगे वहाँ पे वैलीज भी होंगे, तो वो कहीं ना कहीं इको विजिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। देन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर द गार्डन ऑफ द नेचुरल ब्यूटीज एंड अट्रैक्टिव स्पॉट फॉर नेचर लवर्स। द एनिमल्स मरीन लाइफ प्लांट्स मेक देमसेल्व्स अलाइव इन द डीप वाटर ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है तो उसके नेचुरल ब्यूटीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फेमस है। तो जैसे हम बोलते हैं कि एनिमल्स हैं, मरीन लाइफ हैं, प्लांट्स हैं, तो जो हम बोलते कि हम बोलते कि अलाइव इन द डीप वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल कि वो बे ऑफ बंगाल से कुछ कम नहीं है। फ्रेश एंड क्लीन एनवायरमेंट देन वेल मेंटेन टूर अट्रैक्ट इको टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू दिस प्लेस। एंड दिस आइलैंड्स आर कवर्ड बाय द डेंस जंगल एंड सराउंडेड बाय द सेवरल कोकोनट ट्रीज एंड हियर एडवेंचर प्लेस द की रोल टू बिल्ड अप द रिलेशन बिटवीन द नेचर लवर एंड नेचर। तो यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए हम बोलते हैं कि जैसे अच्छे रास्ते हैं जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है जो आइलैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा घने जंगलों से भरे पड़े हुए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा कोकोनट ट्रीज हैं। तो और उसके बाद हम बोलते हैं कि जो एडवेंचर है दैट एडवेंचर इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल टू बिल्ड अप द रिलेशन बिटवीन नेचर लवर्स एंड नेचर। कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कूर्ग। कूर्ग मतलब क्या? द सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस हिल स्टेशन इज अनमैच्ड। अभी उसकी सीनिक ब्यूटी जैसे हम बोलते कि हिमालय रीजन की जैसे सीनिक ब्यूटी होती है जैसे उसके सनसेट और सनराइज, वैसे ही कूर्ग की भी एक यूनिक सीनिक ब्यूटी है। दैट एक्सप्लोरिंग दिस हिल स्टेशन एंड इट्स नेचुरल पोजिशन वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल्स इरुकू एंड एबे एंड नागरकोट नेशनल पार्क आर वर्थ मेकिंग वंस इको वेकेशन एक्सट्रीमली एंजॉयबल। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि उसके हम बोलते हैं कि क्यों ये फेमस है, तो उसका हम बोलते हैं कि वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल्स है या हम बोलते हैं कि इरुकू एंड एबे एंड नागरकोट है जो नेशनल पार्क है जो हम बोलते हैं कि इको टूरिस्ट के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही एंजॉयबल प्लेसेस बन चुके हैं। देन घर वाले देन स्नो कैप माउंटेन्स ब्यूटिफुल मीडोज एंड सीरीन लेक्स एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफरिंग द अमेजिंग वाइल्ड लाइफ द व्यू ऑफ सम एम्बेडेड जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ दिस नॉर्दर्न रीजन ऑफ कंट्री। घर वाले मीन्स ये नॉर्दर्न रीजन के नॉर्दर्न रीजन में आया हुआ है जिसमें हम बोलते हैं कि जहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स हैं, ब्यूटीफुल मीडोज हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा घास वगैरह घास के मैदान हैं, सीरीन लेक्स है,
डेंस फॉरेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बेस्ट प्लेसेस हैं, जो कहीं ना कहीं जियोग्राफर्स को अट्रैक्ट करता है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज कोडाई कैनल। द होल ब्यूटी ऑफ दिस स्मॉल प्लेस इज असेंबल इन द ब्यूटी ऑफ अनटच्ड सीरीन एंड वर्जिन लेक्स एंड केव्स विच आर फुल ऑफ ऑफरिंग डाइवर्स रेंज ऑफ इको एडवेंचर। तो कोडाई कैनल में लेक्स और वर्जिन लेक्स और केव्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जिसकी ब्यूटी को तलाशने के लिए या जिसकी ब्यूटी को हम उसकी कोई हम बोलते कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। देन हम बोलते कि क्या बोलते हैं देन दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में आया हुआ है। लेट्स सी कि विद द जॉय ऑफ ट्रैकिंग इन द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कंचनजंगा, देन एक्सप्लोरिंग द रोडोडेंड्रोन ट्रैक एंड ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ऑर्चिड, सिक्किम इज अनमैच्ड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो सिक्किम उसके हम बोलते हैं कि ट्रैकिंग के लिए और उसके हाईएस्ट पीक के लिए वर्ल्ड फेमस है, जैसे कंचनजंगा। तो और ये सबसे हम बोलते हैं कि ब्यूटीफुल प्लेस है, जो हम बोलते हैं कि रोडोडेंड्रोन ट्रैक और ब्यूटीफुल लैंड के लिए, ऑर्चिड लैंड के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी शैल स्टॉप हियर।